अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिही लजीना इस्तफा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के नशिस्त का मौजू है इस्लाम सबके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तग़ ग़ैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फिल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सूरह अल इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 85। इसका तर्जुमा यह है, इस्लाम के अलावा जो किसी दीन को तलाश करेगा वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो घाटा पाने वालों में से होगा। दीन इस्लाम अल्लाह ताला का दीन है। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह अल इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 19। अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। पहले इंसान से लेकर और आखिरी इंसान तक अल्लाह ताला का भेजा हुआ दीन दीन इस्लाम है। आदम अली सलातो वसलाम का भी दीन दीन इस्लाम है। नूह अली सलातो वसलाम का भी दीन दीन इस्लाम है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम लेकर नहीं आए हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ है। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, सूरह मायदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 3, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतें पूरी कर दी और इस्लाम को बहसियत दीन पसंद करके हम राजी हो गए। तो दीन इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुआ है। कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई है, वो ये कहते हैं कि दीन इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। जी नहीं, अल्लाह का दीन शुरू से दीन इस्लाम ही है। दीन इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ है, खत्म हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, हमने नेमतें पूरी कर दी और इस्लाम हर एक के लिए आदमी दाखिल हो सकता है, आ सकता है। अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोलता है वही इस्लाम के अंदर दाखिल हो सकता है। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 256। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम इसलिए तलवार के जरिए नहीं फैला, प्यार के जरिए फैला है, मोहब्बत के जरिए फैला है, अखलाक के जरिए फैला है। और अल्लाह जिसका सीना चाहता है खोल देता है इस्लाम के लिए। हर एक को इस्लाम की तौफीक मिलती नहीं जब तक अल्लाह न चाहे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला, जी नहीं, उनका कहना गलत है। और इस्लाम हर एक के लिए, और इस्लाम शांति पैदा करने वाला है, इस्लाम मसाइल को हल करने वाला है, इस्लाम परेशानियों को खत्म करने वाला है। इस्लाम मसाइल को जन्म देने वाला नहीं है बल्कि मसाइल को खत्म करने वाला है। आज दुनिया परेशान है, दुनिया को इस्लाम की जरूरत है। आइए इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाइए। हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, तभी यह पैगाम पहुंचेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दे, हर घर में दाखिल कर दे, आमीन। नागरिन इकराम, इस जैसे वीडियोस को देखने के लिए iPlus TV यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और मुफीद मशवरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। iPlus TV को हेल्प करें, मदद करें ताकि ऐसे प्रोग्राम बन सके। अल्लाह हमारी मदद फरमाए, आमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सच बात लोगों तक पहुंचाने में iPlus TV की मदद करें। पेट्रियॉन में iPlus TV के सपोर्टर बने। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।